यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ब्रॉडवे पे ये शो मैंने देखा हुआ है और बहुत ही कमाल का शो है, स्पेक्टेकुलर शो है। और इस तरह की चीज़ें जब हिंदुस्तान में आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी भी हमारे यहाँ पे थिएटर का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, गानों का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, लेकिन उसको एक साथ करने का कोई ट्रेडिशन अभी तक बन नहीं पाया है और डिज्नी इसको यहाँ लाया है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि और भी नाटक होंगे। या शिवसेना एक पार्टी है, उसका एक नज़रिया है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ, मेरा इत्तेफाक उससे नहीं है। मुझे लगता है कि कला ही एक ऐसा ज़रिया है, कला ही एक ऐसा साधन है जिससे हमको दूसरी जगहों का कल्चर पता चलता है और कल्चरल एक्सचेंज जब होता है तब इंसान और ग्रो करता है। तो हाँ, तो बॉलीवुड को थोड़ा सा मतलब देखिए, हमारे यहाँ पे कोई भी फिल्म जब बनती है तो उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, इस बार ये वाला मसला है। और आई एम श्योर, क्योंकि एक पार्टी का कहना है या देश का कहना नहीं है, अगर ये देश का कहना होता तो यहाँ पे ये कलाकार बुलाए नहीं गए होते। पहली बात, लोग तो गुलाम अली साहब को सुनना चाहते हैं, अब कोई कहता है मत सुनो, कोई कहता है सुनो, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने उनको कास्ट किया है बाहर के कलाकारों को, तो क्योंकि हम लोग उस तरह का भेदभाव रखते नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से कोई राह ज़रूर निकल आएगी।